करामाती चोर और रहस्यमय बंद पेटी। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। अजय विजय तथा टिंगू के पास कोई केस नहीं था, अतः वे बुरी तरह बोर हो रहे थे। एक दिन सुबह विजय और टिंगू अजय के घर आ धमके। अरे तुम लोग, इतनी सुबह सुबह? 9 बज रहे हैं और तुम्हारी अब तक सुबह ही खत्म नहीं हुई। अजय भैया, तुम तो शायद अभी तक सो रहे थे। और क्या करता, सोचा काम नहीं है तो आराम ही कर लूं। तुम ही तो कहते थे चाचा नेहरू कह गए हैं आराम हराम है, भूल गए क्या? भूला तो नहीं हूँ, पर तुम ही बताओ खाली बैठे बैठे क्या करूँ। मैं बताता हूँ, आज हम सड़कों की खाक छानेंगे और कोई न कोई भलाई का काम करेंगे। यह तो बहुत अच्छा सोचा तुमने विजय। ये आइडिया मेरा था अजय भैया, इस सिकड़ी का नहीं। तूने मुझे सिकड़ी कहा गुटके? ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। अरे रे ठहरो, क्या इसी भलाई के काम का इरादा बनाकर घर से निकले थे तुम दोनों? तुम ही बताओ अजय, गलती किसकी है? तुम्हारी, तेरी। गलती तुम लोगों की नहीं, तुम्हारी राशियों की है, जो हमेशा एक दूसरे के दिमाग पर हमला करती रहती है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई अजय भैया? तुम बताने का मौका देते तभी तो बताता। चलो, तुमने बतलाई और मैंने मानी, अब तुम हमारी मानो और जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, तुम लोग आराम से बैठो, मैं 10 मिनट में तैयार होकर हाजिर हो जाता हूँ। इतना कह अजय वहाँ से चला गया और ठीक 10 मिनट बाद अपने वादे के मुताबिक अजय अपने साथियों के सामने हाजिर हो गया। वाह क्या बात है, समय की पाबंदी तो कोई तुमसे सीखे अजय। अब उठोगे भी या मेरी तारीफ के ही पुल बांधते रहोगे? तब विजय और टिंगू भी उठ खड़े हुए। फिर तीनों लंबे लंबे डग भरते हुए घर से निकले और सड़क के किनारे किनारे एक ओर चल दिए। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक टिंगू अजय का ध्यान सड़क के दूसरी ओर खड़े क्रौड़ व्यक्ति की ओर आकर्षित करते हुए बोला, उधर देखो अजय भैया, वे हमारे पुराने हेडमास्टर पंडित जी जैसे ही लगते हैं। अरे हाँ, वे तो गुरुजी ही हैं। लेकिन वे इस तरह सिर थामे क्यों खड़े हैं? शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी टिंगू चिल्लाया, अरे गुरुजी तो गिर पड़े। ओह, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, आओ। जल्दी ही वे तीनों पटरी पर मूर्छित पड़े पंडित जी के निकट पहुंच गए और उन्हें उठाकर घर ले आए। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी को होश आया तो वे व्याकुल स्वर में बोले, मैं कहां हूं? आप मेरे घर में हैं गुरुजी। तुम्हारे घर में? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं अजय हूँ। 5वीं कक्षा में आप हमें गणित पढ़ाते थे। मैं विजय हूँ गुरुजी। और मैं टिंगू। ओह अजय, विजय और टिंगू, मैं तुम लोगों की बहादुरी के कारनामे अक्सर अखबार में पढ़ता रहता हूँ। मुझे गर्व है कि तुम लोग मेरे शिष्य रह चुके हो। भगवान तुम लोगों को लंबी उम्र दे। लेकिन गुरुजी, आपको अचानक क्या हो गया था? वो तो अच्छा हुआ टिंगू की नजर आप पर पड़ गई और हम ठीक समय पर आपकी मदद के लिए पहुंच गए। अब क्या बताऊं बच्चों, मुझे नहीं मालूम था कि बुढ़ापे में मैं इस तरह ठगा जाऊंगा। हमें विस्तार से बताइए गुरुजी, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके। जरूर, तुम लोग अवश्य मेरी मदद कर सकते हो, मैं तुम लोगों को सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। तत्पश्चात पंडित जी ने कहना आरंभ किया, रिटायर होने के बाद से मैं लॉरेंस रोड स्थित अपने पुश्तैनी मकान में अकेला ही रह रहा था। मेरे दोनों बेटे नौकरी पेशा होने के कारण अलग अलग शहरों में अपने परिवारों के स्थान स्थापित हो गए हैं। मेरी आजीविका मेरी पेंशन की रकम से ही चल रही थी। मेरी पेंशन की रकम इतनी नहीं है जिससे मेरा और मकान के रख रखाव का खर्चा वहन किया जा सके, इसलिए कुछ माह हुए मैंने अपने यहाँ एक किराएदार रख लिया। बेचारा बड़ा भला आदमी है। मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने मेरे लिए एक काम की व्यवस्था कर दी। वह स्वयं मुझे उस प्रकाशक के यहाँ ले गया और मेरा परिचय कराते हुए बोला, जैक्सन साहब, यह है पंडित रमाशंकर, रिटायर्ड हेडमास्टर। मुझे पूरा विश्वास है
कि ये आपकी कसौटी पर खरे उतरेंगे। जी हाँ, आप मुझे जो भी काम सौंपेंगे उसे पूरा करने में मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? शर्त यह है कि जो काम हम आपको सौंपेंगे उसे आपको गोपनीयता के साथ पूरा करना होगा। मुझे करना क्या होगा? बाइबल का हिंदी में अनुवाद, जो कि आपको इसी कोठी में रहकर एक महीने के अंदर पूरा करना है। लेकिन इस काम के लिए हम आपको 10,000 रुपए का भुगतान करेंगे। लेकिन यह काम तो मैं अपने घर में बैठकर भी पूरा कर सकता हूँ। जरूर कर सकते हैं, लेकिन तब काम की गोपनीयता बनी रह पाएगी, इस पर हमें संदेह है। आप विश्वास रखिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मेरी अनुवादित पांडुलिपि का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम रिस्क नहीं ले सकते। आपको हमारी शर्त मंजूर हो तो हाँ कहिए, वरना जैक्सन की बात पूरी होने से पहले ही मेरा किराएदार मोहन कुमार बोल उठा। हाँ कह दीजिए मास्टर जी, एक महीने में इतने रुपए कमाने का मौका आपको कहाँ मिलेगा। लेकिन मेरा मकान, आपके मकान की देखभाल के लिए मैं जो हूँ, आप परेशान क्यों होते हैं? वो तो ठीक है बेटे, परंतु आप निश्चिंत रहिए, यहाँ आपको किसी चीज की दिक्कत महसूस नहीं होगी। आपकी सुख सुविधा का हर सामान यहाँ उपलब्ध रहेगा। मैं हर सप्ताह चक्कर लगाकर आपके प्रोग्रेस और हाल चाल की जानकारी हासिल करता रहूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। गुड, तो फिर आज से ही आप अपना काम शुरू कर दीजिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ध्यान रहे, इस माह के दौरान आप इस कोठी से बाहर नहीं निकलेंगे। जी, 10,000 रुपयों के लालच में मैंने जैक्सन नाम के उस विदेशी की हर बात मान ली और उसी कोठी में रुक गया। मोहन कुमार के जाने के बाद जैक्सन मुझे एक दूसरे कमरे में ले गया, जहां लेखन कार्य के लिए हर सुविधा मौजूद थी। तब जैक्सन भी बाइबल के खंड मुझे सौंप कर वहां से चला गया। मैं उसी क्षण अपने काम में जुट गया। मुझे समय पर काम करने की चिंता थी, अतः मैंने रात और दिन एक कर दिए। जैक्सन बीच बीच में आकर मेरा हाल चाल पूछ जाता था और जरूरत का सामान पहुंचा देता था। कल महीने की मियाद का आखिरी दिन था, अतः मैं रात देर तक काम करता रहा और काम पूरा करने के बाद ही चैन की नींद सोया। आज सुबह जब मैं जागा तो दिल खुशी से फूला न समा रहा था। आज मुझे महीने भर की मेहनत का फल मिलने वाला था। सुबह 8 बजे जैसे ही डोरबेल की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने एक अपरिचित दंपत्ति को खड़े देख मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। आप कौन है? पहले ये बता, तू कौन है और इस कोठी में क्या कर रहा है? यह तो आपको जैक्सन साहब ही बता सकेंगे। कौन जैक्सन? इस कोठी के मालिक। मैं उन्हीं के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बूढ़े? इस कोठी का मालिक मैं हूँ। मैं विख्यात लेखक मुरली मनोहर हूँ। हम 2 माह से विदेश भ्रमण के लिए गए हुए थे, आज सुबह की फ्लाइट से यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जैक्सन साहब, तुम्हारे जैक्सन साहब गए बाड़ में। मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आता है बूढ़े। तुम्हारी भलाई इसी में है कि फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मजबूरन हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। और मैं खाली हाथ ठगा हुआ सा वहां से चल दिया। राह में बार बार मुझे 10,000 और अपनी एक महीने की मेहनत का ख्याल हो आता था। मेरा दिल रो रहा था और सिर चकरा रहा था। अपने साथ घटी इस ठगी की घटना को मैं भुला नहीं पा रहा था। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। तो संभाला तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ओह,
आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब तुम लोग ही बताओ मैं क्या करूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है गुरुजी। अब जो करना है हम करेंगे। हम सारी सच्चाई का पता लगाएंगे और आपकी मेहनत का पैसा आपको दिलवाएंगे। हम पर भरोसा रखिए। मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। अब आप मुझे जैक्सन का हुलिया और उसकी कोठी का पता नोट करवा दीजिए जिसमें जैक्सन ने आपको रख रखा था। तब पंडित जी जैक्सन का हुलिया एवं उसकी कोठी का पता नोट करवाने के बाद बोले, अच्छा तो अब मुझे इजाजत दो बच्चों, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। पंडित जी और अजय के वहां से जाने के बाद विजय गंभीर स्वर में बोला, अजीब बात है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जैक्सन गुरुजी को बेवकूफ बनाकर क्या हासिल करना चाहता था। मुझे तो इसमें जैक्सन की किसी खतरनाक साजिश की बू महसूस हो रही है। गुरुजी से जैक्सन की मुलाकात मोहन कुमार ने करवाई थी। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि इस साजिश में गुरुजी का किराएदार मोहन कुमार भी शामिल था? बेशक। ओह, अब मेरी समझ में सारी बात आ रही है। जरा मुझे भी बतलाओ विजय भाई कि तुम्हारी समझ में क्या बात आ रही है। बात बिल्कुल साफ है। मोहन किसी खास मकसद से मास्टर जी का किराएदार बना था, क्योंकि वही गुरुजी को लालच देकर जैक्सन के पास ले गया था। वह भी उस मकान में जो वास्तव में जैक्सन का नहीं किसी दूसरे का था। जैक्सन और मोहन जरूर जानते थे कि मकान का असली मालिक एक महीने से पहले वापस नहीं लौटने वाला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जैक्सन ने गुरुजी को एक महीने तक वहाँ क्यों रखा? वह तो गुरुजी का किराएदार मोहन कुमार ही बता सकता है। मोहन कुमार अगर इस धोखाधड़ी की साजिश में शामिल था तो वह अब तक गुरुजी के घर से फरार हो चुका होगा। फिर तो उन धोखेबाजों के मकसद का पता लगाना एक टेढ़ी खीर होगी। तभी अजय कमरे में दाखिल होता हुआ बोला, तुम ठीक कहते हो चिंगू, लेकिन इन धोखेबाजों का पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। ओ, तुम आ गए अजय। क्या तुम्हारी गुरुजी के किराएदार मोहन कुमार से मुलाकात हुई? नहीं। ओ, फिर तो हमारा शक सही साबित हुआ। कैसा शक? तब विजय अपने और टिंगू के बीच हुए वार्तालाप का ब्यौरा देते हुए बोला, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर उन धोखेबाजों ने गुरुजी को अपने घर से दूर क्यों रखा। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है विजय। जो कुछ मैं देख और सुनकर आ रहा हूँ उस पर तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा। आखिर क्या हुआ? कहीं गुरुजी का सारा सामान चोरी तो नहीं हो गया? चोरी तो हुई है, लेकिन गुरुजी के घर में नहीं, बल्कि पड़ोस के भवन के तहखाने में स्थित बैंक में। और इस चोरी के अपराध में तारकुंडे अंकल ने गुरुजी को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या? दरअसल चोर गुरुजी के मकान के अंदर से सुरंग बनाकर बैंक के स्टोर रूम तक पहुंचे और सारा कैश उड़ाकर ले गए। ओ, अब समझ में आया कि गुरुजी को एक महीने तक अपने मकान से दूर क्यों रखा गया था। गुरुजी वहां बाइबल का अनुवाद कर रहे थे और वे चोर उन्हीं के घर में सुरंग खोदने में लगे थे। हाँ, कल रविवार था और बैंक बंद था। चोरी की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। चोर रात को सारा माल लेकर फरार हो गए और पकड़े गए बेचारे निर्दोष गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने डैडी को सब कुछ बता क्यों नहीं दिया? गुरुजी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन तार कुंडे अंकल विश्वास करते तब ना। गुरुजी के पास अपनी बातों की सत्यता सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण भी तो नहीं है। क्यों नहीं है? वह लेखक दंपत्ति तो कह सकता है कि मास्टर जी उनके घर में मौजूद थे। तुम जब बात करोगे बेवकूफी की करोगे। जरा सोचो, चोरी का मामला जानने के बाद कौन भला आदमी पुलिस के झंझट में पड़ेगा? ओह, तो फिर गुरुजी कैसे निर्दोष साबित होंगे? असली मुजरिमों को माल सहित कानून के हवाले किए बिना हम गुरुजी को निर्दोष साबित नहीं कर सकते। लेकिन असली मुजरिमों तक पहुंचने का मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उन शैतानों ने अपने पीछे ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा होगा जिससे पुलिस उनका पता लगा सके। तुम ठीक कहते हो टिंगू। तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और गुरुजी को सजा हो जाने देंगे? नहीं, गुरुजी को सजा नहीं होगी। वो कैसे? तुम लोग शायद भूल रहे हो, पिछले माह में
ठीक इसी तरह की चोरी की 4 वारदातें अखबारों में प्रकाशित हो चुकी हैं। हर वारदात के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की वारदातों के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वे निर्दोष व्यक्तियों की हुई हैं और असली मुजरिमों का गिरोह अभी तक आजाद घूम रहा है। चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि असली मुजरिमों के गिरोह को पकड़वाया कैसे जाए। मेरे दिमाग में प्लान आया है, क्यों न मुजरिमों को उन्हीं की चाल से मात दी जाए। क्या मतलब? कुछ विस्तार से समझाओ तो समझ में आए। मुझे विश्वास है कि मुजरिमों का गिरोह खामोश नहीं बैठेगा, वह फिर कहीं ऐसी वारदात दोहराएगा। क्यों न इस बार हम स्वयं ही अपने आप को मुजरिमों का शिकार बना ले? लेकिन कैसे? तब अजय अपने साथियों को अपनी योजना समझाने लगा। जब अजय खामोश हुआ तो विजय और टिंगू बरबस ही बोले, वाह क्या प्लानिंग है, अब मुजरिमों की खैर नहीं। तो फिर चलो हम योजना को क्रियान्वित करने में अभी से जुट जाते हैं। उधर एक आलीशान कोठी के हॉल में चोरों के गिरोह का सरदार जैक्सन अपने साथियों से कह रहा था, इस शहर में हमने काफी तगड़ा हाथ मारा है, अब हमें यह शहर जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है सरदार, अभी इस कोठी में हम 2-3 महीने बेखटके रह सकते हैं। लेकिन यहाँ इतने दिन टिके रहने की हमें क्या जरूरत है राघव? जरूरत है, तभी तो कह रहा हूँ, शायद किसी ने आज का अखबार नहीं पढ़ा। राघव दैनिक अखबार की कॉपी निकालकर टेबल पर फैलाता हुआ बोला, इस खबर को ध्यान से पढ़ो। हेडलाइन पर नजर पड़ते ही जैक्सन ने अखबार हाथों में उठा लिया और उच्च स्वर में पढ़ने लगा, विख्यात जौहरी हीरा लाल अपने पास एकत्रित बहुमूल्य हीरे जवाहरात जो 3 पेटियों में भरे हैं की नुमाइश का आयोजन कर रहे हैं। नुमाइश 15 तारीख को उनके निवास के बेसमेंट में होगी। 15 तारीख? आज इस महीने की 20 तारीख है, पूरे 25 दिन का समय है हमारे पास। ओ क्यों न यह शहर छोड़ने से पहले हम हीरे जवाहरातों से भरी 3 पेटियों पर हाथ साफ कर दे। अगर ये पेटियां हमारे हाथ लग जाए तो फिर हमें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ठीक कहते हो माइकल, हम यह मौका हाथ से जाने नहीं देंगे, पर यह काम इतना आसान भी नहीं होगा। जौहरी हीरा लाल की कोठी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए होंगे। बेशक वहां सुरक्षा के कई प्रबंध किए गए होंगे, लेकिन तब भी माल उड़ाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इस अखबार में साफ लिखा है कि 3 पेटियों में भरे हीरे जवाहरातों की नुमाइश 15 तारीख को कोठी के तहखाने में होगी, अतः मुझे विश्वास है कि वह पेटियां बेसमेंट में ही रखी होंगी और इस दौरान किसी को भी तहखाने की भीतरी भाग में जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी सुरक्षा व्यवस्था तहखाने के बाहर और इर्द गिर्द की जाएगी, अंदर वाले कक्ष में कोई नहीं होगा। ओह, फिर तो मैदान साफ है। सिर्फ हमें एक ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहां से सुरंग खोदकर हम तहखाने के उस भाग तक पहुंच सके जहां में पेटियां रखी गई हैं। वह जगह भी मैंने ढूंढ ली है। इसी अखबार में एक मुसलमान बूढ़ी दंपत्ति ने एक मजहबी अदबी नौकर के लिए विज्ञापन दिया है। इस मुसलमान दंपत्ति का मकान जौहरी हीरा लाल की कोठी के पिछवाड़े गली पर स्थित है। बहुत अच्छे राघव, तुमने तो हमारी सारी समस्याएं ही हल कर दी हैं। फिर जैक्सन मोहन कुमार को संबोधित करते हुए बोला, मोहन तुम नौकर बनकर मुसलमान दंपत्ति के पास पहुंच जाओ और उनको किसी भी तरह 14 तारीख तक उनके निवास से दूर रखने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा बॉस। फिर मोहन बॉस और अपने साथियों से विदा ले वहां से चल दिया। उधर मुसलमान बूढ़ी दंपत्ति के रूप में अजय विजय और उनके पोते के रूप में टिंगू 3 दिन से नौकरों का इंटरव्यू लेते लेते बोर हो गए थे। अभी तक ऐसा नौकर नजर नहीं आया जिसका हुलिया मोहन या जैक्सन से मिलता जुलता हो। पता नहीं हमारी तपस्या का फल कब मिलेगा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लो फिर कोई आ गया बोर करने, जाकर देख तो ले बच्चे, शायद इस बार हमारी तपस्या का फल मिल ही जाए।
बच्चे, क्या मैं बच्चा हूँ? इस समय तो तुम वही हो मुन्ना जो मैं कह रही हूँ। देख लूंगा तुम्हें। थोड़ी देर बाद जब टिंगू लौट कर आया तो वह अकेला नहीं था। अब्बा हुजूर, ये करीम मियां है, आपका विज्ञापन पढ़कर यहाँ हाजिर हुए हैं। ओह, इसका हुलिया वक्त काठी मोहन कुमार से काफी मिलती जुलती है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो बरखुरदार। आपकी दुआ से 8 जमात पास हूँ हुजूर। फिर तो तुम्हें नौकर रखना हमारे बस की बात नहीं है करीम मियां। क्यों क्यों हुजूर? अरे भाई, तो पढ़े लिखे हो, तनख्वाह मांगोगे, जिसे देना हमारे वश के बाहर की बात होगी। हम तो तुम्हें बस 2 वक्त की रोटी ही मुहैया करा सकते हैं। अगर मंजूर हो तो बोलो हाँ, वरना चलते नजर आओ मियाँ। मुझे मंजूर है हुजूर, आप कहेंगे तो मैं 1 वक्त की रोटी पर ही गुजर कर लूंगा। यह तो सोने पर सुहागा वाली बात हुई अब्बा हुजूर। सो तो है पर क्या कर रहे हो? इस मुए को नौकर रख ही लो, इतना किफायती नौकर फिर कहाँ मिलेगा? अल्लाह ने चाहा तो इस साल हज पर जाने लायक पैसे जमा हो ही जाएंगे। हज? आप हज पर जाना चाहते हैं हुजूर? यह तो बड़ा नेक इरादा है। हाँ करीम मियां, बरसों से हम यह तमन्ना दिल में लिए बैठे हैं, पर अभी तक इतना रुपया जमा नहीं कर पाए हैं कि हज को जा सके। अल्लाह ने चाहा तो आपकी यह तमन्ना जल्दी ही पूरी होगी। अल्लाह तेरी जबान को इनायत बख्शे करीम मियां। अब तो समझो तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, मैं शाम तक अपना सामान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। फिर करीम विदा लेकर वहाँ से चला गया। करीम उर्फ मोहन कुमार के जाने के बाद विजय तपाक से बोला, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो करीम और कोई नहीं गुरु जी का किरायेदार मोहन कुमार ही है। तुमने ठीक पहचाना विजय। फिर तो तुम लोगों के हज पर जाने का प्रबंध करके ही लौटेगा। मेरा भी यही ख्याल है। अब देखो आगे आगे क्या होता है। होगा वही जो हम चाहते हैं। कमबख्तों को पता नहीं है इस बार उनका पाला किन से पड़ा है। अजय विजय और टिंगू का ख्याल ठीक निकला। करीम शाम ढलने से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर उनके पास पहुंच गया और एक पहेली का फॉर्म अजय के हाथ में थमाता हुआ बोला, जब मैं यहाँ आ रहा था तो यह फॉर्म मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। आप फौरन इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपका जवाब सही निकला तो पहले 10,000 का इनाम आपको ही मिलेगा। कल जवाब भेजने की आखिरी तारीख है। मैं खुद जाकर यह फॉर्म ऑफिस में जमा करा आऊंगा। 2 दिन बाद ही जीतने वाले का नाम बता दिया जाएगा और इनाम की रकम भी साथ ही साथ भुगतान की जाएगी। वाह, लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली। इनाम मिलते ही हम बंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। 1 माह बाद यात्रियों का पहला काफिला हज के लिए रवाना हो जाने वाला है। इतना कह अजय ने फॉर्म में अपना जवाब भरकर करीम के हाथ में थमा दिया और फिर अजय विजय और टिंगू की आज्ञा अनुसार 3रे दिन करीम ने उन्हें खबर दी कि पहला इनाम उन्हें ही मिला है। यही नहीं, करीम अजय को अपने साथ एक ऑफिस में ले गया जहां औपचारिकता निभाने के बाद 10,000 रुपए अजय को थमा दिए गए। अजय ने भी घर पहुंचते ही अपनी बेगम उर्फ विजय तथा बेटे टिंगू को सफर की तैयारी करने का हुक्म दे डाला। अगले दिन सफर पर चलने से पहले अजय करीम के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए बोला, करीम मियां, तुम्हारे कदम हमारे घर पर क्या पड़े, हमारे तो नसीब ही जाग उठे। हम जा रहे हैं, हमारे पीछे घर का ख्याल रखना। आप बेफिक्र जाकर आइए हुजूर, मैं हूँ ना यहाँ। तत्पश्चात अजय विजय और टिंगू तांगे पर बैठ वहाँ से रुखसत हो गए। जाओ मियाँ, हज को जाओ, तुम्हें हज पर भेजने के पुण्य का फल तो हमें मिल ही जाएगा। अजय विजय और टिंगू के जाने के लगभग 1 घंटे के बाद जैक्सन अपने अन्य साथियों के साथ वहाँ पहुँच गया। रास्ता साफ है बॉस, हमें अपना काम आज ही शुरू कर देना चाहिए। गुड, तुम लोग अपना काम शुरू कर दो,
मैं बीच बीच में आकर तुम लोगों से मिलता रहूंगा। फिर अपने साथियों को आवश्यक हिदायत दे जैक्सन मकान से बाहर निकल अपनी कार में जा बैठा। थोड़ी ही देर बाद जैक्सन की कार गली पार कर मेन रोड पर टर्न ले रही थी, लेकिन वह इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ थे कि अजय विजय और टिंगू की नजरें अब भी उसकी कार पर टिकी हुई हैं। कार तो वापस जा रही है अजय भैया। हाँ, लेकिन कार में आए बाकी तीन आदमी हमारे निवास में ही रह गए हैं। शायद सुरंग की खुदाई का काम वे और करीम उर्फ मोहन ही करेंगे, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि उन्होंने सुरंग खोदने का काम पूरा कर लिया है? वह पता लगाने की जिम्मेदारी तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। मुझे पूरा विश्वास है कि खुदाई का काम 13-14 तारीख तक जरूर पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए 13 और 14 तारीख को तुम दोनों सतर्क रहना और ट्रांसमीटर पर मेरे निर्देश का इंतजार करना। तब तक तुम बारी बारी से इस मकान की निगरानी करोगे। ओके। तत्पश्चात वे तीनों वहां से चल दिए। उस दिन के बाद से अजय रोजाना जौहरी हीरालाल की कोठी में स्थित तहखाने के फर्श पर निरीक्षण करने आने लगा। 14 तारीख की शाम जब अजय फर्श का मुआयना कर रहा था तो अचानक उसकी आंखें चमक उठी। ओ, इस जगह के नीचे का भाग खोखला महसूस हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि चोर सुरंग की खुदाई का काम यहाँ तक पूरा कर चुके हैं और आज की रात में पेटियों को उड़ाने की कोशिश करेंगे। उधर जौहरी हीरालाल से जब न रहा गया तो वह पूछ ही बैठा। अजय बेटे, तुम रोज फर्श पर छड़ी बजाकर क्या देखते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान न होइए अंकल, कल आपको समझ में सब आ जाएगा। परंतु कल जब नुमाइश देखने के लिए लोग मेरी कोठी पर उमड़ पड़ेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगा? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल। कल सुबह अखबारों से लोगों को नुमाइश के कैंसिल होने की सूचना मिलेगी। वो अब आप जाइए और आराम कीजिए। और हाँ, जैसे ही मेरे साथी विजय और टिंगू कोठी में पहुंचे, उन्हें यहाँ भेज दीजिएगा। आज की रात हम तीनों यही गुजारेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कह जौहरी हीरालाल वहां से चले गए और अजय तहखाने में अकेला रह गया। तब एकांत में अजय ने अपने ट्रांसमीटर पर विजय से संबंध स्थापित किया और बोला, विजय क्या रिपोर्ट है? मेरे ख्याल से मिट्टी निकालने का काम वे कल रात ही पूरा कर चुके हैं। आज की रात वे पेटियां निकालने का काम करेंगे। ओ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? जैसे ही टिंगू तुम्हारे पास पहुंचे, उसे लेकर तुम ब्लैक टावर पहुंच जाओ। वहां से तुम इंस्पेक्टर अंकल को मकान की निगरानी करने और आगे की कार्यवाही के बारे में फोन पर जानकारी दे देना। तत्पश्चात पूरी तैयारी के साथ जौहरी अंकल की कोठी में पहुंच जाओ। मैं यहां तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तत्पश्चात अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया और वहीं बैठकर अपनी भावी योजना पर ध्यान पूर्वक विचार करने लगा। लगभग एक घंटे बाद विजय और टिंगू उसके पास पहुँचे तो वह उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। हम तीनों अलग अलग पेटियों में छुप जाएंगे। इस तरह पेटियां वजनदार हो जाएंगी और चोरों को शक भी नहीं होगा और वो अपनी मुसीबत खुद अपने सर पर उठाकर ले जाएंगे। लेकिन हमारे पेटियों में छुपने के बाद उनको ताला कौन लगाएगा? ताला जैसे लगा है वैसे ही लगा रहेगा। तो फिर हम पेटियों में दाखिल कैसे होंगे? आओ मैं बताता हूँ। तब अजय अपने साथियों को एक पेटी के पास ले गया और उसका पिछला भाग दरवाजे के पट की तरह खोलता हुआ बोला, ये पेटियाँ विशेष रूप से बनवाई गई है। हम इस पेटी में पहुँच कर इस दरवाजे को अंदर से बंद कर लेंगे। इस तरह पेटियों से आजाद होने के लिए हमें तालों के खुलने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। चोरों के अड्डे पर पहुंचकर हम मौका पाते ही आजाद हो जाएंगे। वाह, वंडरफुल आइडिया। अब चोरों के सिर पेटियों में होंगे और हमारे पंजे उनकी गर्दन पर। तभी कर्कश आवाज सुन विजय और टिंगू का ध्यान फर्श के मध्य भाग की ओर आकर्षित हो गया। ओ! मौके की नजाकत को भापते ही अजय फुसफुसाया, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। Let's move। दूसरे ही पल तीनों ने अलग अलग पेटियों में घुसकर अपने आप को पेटियों में बंद कर लिया। उधर धीरे धीरे फर्श में पड़ी दरार की चौड़ाई बढ़ती जा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद फर्श में इतना चौड़ा गड्ढा बन चुका था
कि आराम से एक पेटी उसमें से निकाली जा सकती थी। तब नीचे अपने साथियों के साथ खड़ा जैक्सन आदेश देते हुए बोला, मोहन और राघव तुम दोनों ऊपर जाओ और पेटियों को एक एक करके नीचे उतारो। फिर लगभग 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद वे तीनों पेटियों को सुरंग के रास्ते ढोकर बड़े मियाँ के मकान के भीतरी हिस्से में ले गए। उफ, अच्छा वजन है पेटियों में। अरे मरा क्यों जा रहा है शेरा? जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही ज्यादा हमारा हिस्सा होगा। कुछ देर हंसी का जायका लेने के बाद जैक्सन गंभीर होता हुआ बोला, कुछ ही देर में शेरा वैन लेकर आने वाला है, तब तक तुम लोग आराम कर लो। अब तो एक पल भी आराम करना हराम लग रहा है बॉस। बस एक बार माल लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाएं, उसके बाद जिंदगी भर आराम ही आराम करेंगे। अभी बातों का सिलसिला जारी था कि तभी बाहर किसी वाहन के आकर रुकने की आवाज सुनाई दी। लगता है शेरा पहुंचा है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर माइकल चला गया। थोड़ी देर बाद वह लौटा तो उसके साथ शेरा भी था। जल्दी ही मोहन, राघव, माइकल और शेरा ने मिलकर तीनों पेटियों को बाहर खड़ी स्टेशन वैगन में पहुंचा दिया और स्वयं भी उसमें सवार हो गए। फिर जैक्सन के वैगन में सवार होते ही शेरा ने वैगन स्टार्ट कर एक्सेलरेटर पर पैर जमा दिया। वैगन मस्त भैंसे के समान जकारती हुई सुनसान गली में दौड़ पड़ी। उधर दीवार की आड़ में खड़ी जीप में बैठे इंस्पेक्टर तारकुंडे ने जैसे ही वैगन को सड़क पर पहुंचते देखा वह दहाड़ा, पीछा करो। यस सर। दूसरे ही पल ड्राइवर ने जीप वैगन के पीछे लगा दी। लेकिन जैक्सन और उसके साथी अपनी सफलता की खुशी में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें पीछा किए जाने का आभास ही न हो सका। अपने निवास पर पहुंच वे पेटिया वैगन से उतार कोठी के अंदर ले गए। तब जैक्सन अपने साथियों को संबोधित करते हुए बोला, अब हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन कल जब हीरे जवाहरातों की चोरी का भेद खुलेगा तो इस शहर की पुलिस चौकन्नी हो जाएगी और हमारा माल लेकर इस शहर की सीमा पार करना मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो राघव, हमें सुबह होने से पहले यह शहर छोड़ देना चाहिए। फिर क्यों ना हम सारे माल का अभी इसी वक्त बंटवारा कर ले और अपना अपना हिस्सा लेकर अपनी अपनी राह चल दे। अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शेरा, तुम पेटियों से सारा माल निकाल लो। यस बॉस। फिर शेरा पेटियों से माल निकालने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक अजय प्रकट होता हुआ गरज उठा, रुक जाओ शेरा, तुम लोगों का खेल खत्म हुआ, माल पुलिस खुद बरामद कर लेगी। कौन हो तुम लड़के, यहाँ कैसे आए? अब आ ही गए हो तो जिंदा नहीं लौट पाओगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ लड़के। लेकिन तभी दूसरी पेटी के पीछे से विजय के रिवॉल्वर ने शोला उगल दिया और चोरों की हंसी को जैसे ब्रेक लग गया। फिर इससे पहले कि चोरों की समझ में कुछ आता, विजय और टिंगू हाथों में रिवॉल्वर थामे प्रकट होते हुए गरज उठे, खबरदार अब कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना वरना बेमौत मारे जाओगे, हमारा निशाना चूकता नहीं। चोरों की टोली विवश हो चुकी थी, बाकी रही सही कसर तार कुंडे और उसके साथ आए दल ने वहां पहुंचकर पूरी कर दी। पहना दो इन बदमाशों के हाथों में हथकड़ी। और जब चोरों को हथकड़ी पहनाने की कार्यवाही पूरी हो गई, तो टिंगू चुटकी लेते हुए बोला, प्यारे चोरों, तुम लोगों के नसीब में हीरे जवाहरात नहीं लोहे के कंगन ही लिखे हैं। अब जेल में बैठकर चैन की जिंदगी गुजारना। पर अफसोस तो यह है कि इन्हें आराम वहाँ भी नहीं मिलेगा। तभी इंस्पेक्टर तारकुंडे उन्हें डपटते हुए दहाड़ा, खामोश छोकरो, भाग जाओ यहाँ से वरना तुम तीनों को भी उठाकर बंद कर दूंगा। क्या? अजय, विजय और टिंगू चौके और फिर वहाँ से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। अजय, विजय और टिंगू के रफू चक्कर होते ही इंस्पेक्टर तारकुंडे के होठों पे मक्कारी भरी मुस्कुराहट उभर आई। कैसी रही प्यारी पाठ को,
खुल गया ना तार कुंडे के नसीब का कुंडा, हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। Oh,